हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुपर बात पशुपालन की विशेष क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आशा करता हूं 18 तारीख के पेपर को अपन कहीं ना कहीं पूरा जीत का आएंगे क्यों अब की बार ए एस पार अब की बार ए एस पार बिल्कुल सभी को बहुत बहुत, बहुत गुड मॉर्निंग है शुभकामनाएं हैं साधुवाद है और बिल्कुल राम राम है सा राम राम है सा बताइए तो आप लोग कैसे हैं भाई बढ़िया हो हाँ कैसे आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी बस उस तैयारी को धार देने के लिए और कुछ ना कुछ बिजी रहने के लिए और उससे कुछ क्वेश्चन को लाने के लिए बिल्कुल कर देते हैं आगाज कल तक अपन ने शायद इसके ग्यारह बारह क्वेश्चन कर लिए थे तेरह से चालू करें क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने हैं फटाफट स्क्रीन पर की आज सेंचुरी मारनी है आज क्या मारनी है सेंचुरी मारनी है शतक लगाना है शतक में अपना काम हो जाएगा क्लियर क्वेश्चन आपके सामने फटाफट बताओ जय जवहर जय जवहर भाई लाइट कम करो भाई लाइट कम कम ही है ना लाइट और क्या कम करें एक लाइट कम कर दो अब ठीक है आपस में बातचीत नहीं बेटा बिल्कुल भी हाँ जय बिगिन सर जय हो गुड मॉर्निंग बढ़िया आप कैसे हैं बढ़िया भाई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने फटाफट आप कम करो लाइट कम होगी लाइट कम गई अब इससे ज्यादा क्या कम करें बी 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 आंसर आ रहा है चलो मिलाओ बीटल जो है कहां की है बीटल एक्चुअली क्या है पंजाबी बकरी है ये इसका उत्पत्ति स्थान अब सब मिक्स आएगा इस पेपर में सब मिक्स है बीटल कहाँ की है पंजाबी है जमुनापुरी को आज से आप यमुनापुरी बोलो क्या बोलो यमुनापुरी तो इसको बोलो यमुनापुरी सर क्यों मैं कह रहा हूं ना यमुनापुरी बोलने से आपके क्या होगा यह से यूपी की फीलिंग आएगी और यूपी गई ये गई से क्या आएगा घ से ग्वालियर आएगा घ से ग्वालियर आएगा और ई से इटावा आएगा ठीक है ना यूपी गई अब मिला लो यहां से कहीं है क्या ये पड़ा देखो इटावा ये इटावा ये पड़ा और बीटल का ये रहा देखो पंजाब के अंदर पंजाब में गुरु साहिब अमृतसर में है ना गुरु जी का स्थान है गुरुदासपुर है है ना वहाँ पंजाबी बीट बजाते हैं और नाचते हैं सिरोई जो है एक्चुअली सिरोई है तो सिरोई की लेकिन इस पर जो काम चल रहा है वो है ना रामसर अजमेर का चारा और विकास कार्यक्रम सुनना लंग से अजमेर में एक सेंटर है है ना रामसर में उसमें क्या है बकरी का चारा और विकास कार्यक्रम सेंटर है वहाँ सिरोई नस्लों पर पिछले कई सालों से रिसर्च की जा रही है उसको एक अच्छी मास के लिए है ना हाँ बिल्कुल आज क्वेश्चन है क्वेश्चन है बेटा ठीक है मेहरा जी आज क्वेश्चन क्वेश्चन है उस पर सिरोही के लिए खूब रिसर्च हो रही है हाँ, पंजाबी बेट बजाने हैं और उसके बाद टॉगनबर्ग है वो कहां के के स्विट्जरलैंड कहा की है स्विट्जरलैंड की है जिसका दूध होता है पांच से छ लीटर ठीक है हाँ बढ़िया बढ़िया आज जितने भी सेंटर वेंटर सारे क्वेश्चन क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल बढ़िया बेटा बिल्कुल जमुनापुरी का इटावा में है हाँ आ जाओ फिर ए का तीसरा ए का तीसरा भाई दो जने दे रहे हैं है ना बी 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 का चौथा आगे राइट आंसर बी है देखते हैं बी बी किसने किया भाई? सी 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 का पहला सही है और डी का दूसरा राइट आंसर है इसका बिल्कुल बी आंसर है जय वीर तेजा जी की भाई जितने जय बोलनी है बोल दो, दो दिन बाद अठारह तारीख को जय ही बुलानी है है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ सभी जने बहुत बहुत है ना जोश के साथ लो भाई नौ सौ से ग्यारह सो नौ सो से ग्यारह सो लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर चौदह ना ऐसे लिखना चौदह का सी ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे किस किस लेवल पे है ऐसे लिखना चौदह का ये हाँ राधे 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 भाई जी राधे राधे सोनाड़ी बकरी नस्ल है जिले में हाँ आज मेला है सर तेजा जी का अच्छा तेजा दसवीं है ना आज हाँ फटाफट करो किसमें है इसके लिए आपको मैंने बताया था भैंसों के अंदर जब भी दूध आ जाता है देखो इधर भैंसों में एक ही टिक है भैंसों में दूध यदि पूछे आपको ठीक है तो यहां पर सबसे पहले है जाफराबादी जब मैं सूरत निकली लिख लेना फटाफट जाफराबादी फिर है भदावरी फिर है जब मैं है ना मैं सूरत निकली सूरती निकली नीली रवि निकली नीली रवि और सबसे ज्यादा दूध होता है मुर्रा का एक परसेंट भी सही अस नहीं है सारे डेटा कहाँ के भदावरी का जो है 900 से 1100 है सूरती का जो है 16 सत्रह है याद रखना ये 900 से ग्यारह लीटर प्रति व्यात है ब्याज कितनी होती है दस महीने ब्याध कितनी होती है दस महीने दस महीने मतलब तीन सौ दिन तीन सौ दिन में इतना दूध होता है भदावरी का इससे एक कम आठ सौ इससे एक ज्यादा बारह सौ लीटर प्रति व्याध होता है का कितना होता है तो सूर्ती 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 सूर्ता सूर्ता दोनों के लास्ट वाले लिख दो दोनों के लास्ट मतलब बारह सो सत्रह सो इसके बीच है बारह सो से सत्रह सो बारह सो से सत्रह सो बारह सो से सत्रह सो नीली रवि का है इससे कम पंद्रह उससे ज्यादा अट्ठारह ऐसे करके और ये यहां से अठारह से लास्ट रेंज का चलती है ढाई हजार की एक एक डेटा बता देता हूं राजस्थान बोर्ड की किताब से लिया गया है इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है भले किताब मिला लो ठीक है फटाफट छाप लो इसको क्योंकि आज की क्लास सीधा वार है किसके ऊपर अठारह तारीख के पेपर के ऊपर आज जो जो है भगवान करे तेजादश्मी के दिन तेजो जी करे इस पेपर पेपर में से अपन दस क्वेश्चन के कोशिश है बेटा है ना हाँ चौदह का भी राइट है अब इसके बाद ये लिख लो फिर राइट करते आगे है ना हाँ सत्रह को बताना पेपर कैसे हल करा हाँ कल आपको बताएंगे पेपर कैसे हल करें पुराने पेपर भी करेंगे है ना जय बजरंग बली वाले जो भी है ना हाँ बिल्कुल पुराना पेपर भी करेंगे और ये भी बताएंगे पेपर कैसे है नीली टिल्ली <laughs> नीली टिल्ली मस्त है नहीं नीली बिल्ली टिल्ली सोलह सो से अठारह सो से ढाई हजार है हाँ नंबर बेटा पोस्ट वीडियो कमेंट में सारे हैं जो वीडियो खत्म होते हैं तो वहां पे एलएसए के सारे नंबर है एलएसए को दे दिया नंबर है ना हाँ चलो लिख लो एक बार फटाफट अभी आपको मैं दूध के साथ फैट जितने ट्रिक है ना पशुपालन की सारी इसमें ये मान लो मेगा पेपर है पूरा खत्म भी नहीं होगा लेकिन ये है कि सवालों की भरमार है एग्जाम कैंसिल हो गया कैंसिल कहां से हो गया एग्जाम ये क्या क्या लगवा देना उमेश सिंह जी हिंदी की क्लास लग रही है ना बेटा उमेश सिंह जी हिंदी की क्लास लग रही है और जीके के तैयार इतनी लग रही है हर जगह जीके क्लास है इंस्टीट्यूट आ जाएंगे बेटा गोविंद जी आ जाएंगे आज है ना हाँ चलो फिर बताओ देखें किसका पूछा 900 से 1100 900 से 1100 तो भिड़ता ही है 900 से 1100 कौन है जाफराबादी 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 ये है इसका है 900 से 1100 भदावरी का कितना है 800 से 1200 अरे ऐसे याद होगा तो मजा मुर्रा 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 कितना है 1800 से 2000 सर्वाधिक दूध किसमें मुर्रा के अंदर और नीली रवि का कितना है 1500 से 1800 ये लो भाई साहब छाप दिया तो छाप दिया ठान लिया तो ठान लिया चलो नेक्स्ट है मिलाओ इसको मिलाओ भाई फटाफट क्विक मिला दो सेंटर बता दो सर सेंटर बता दो लॉस ऑफ सेंटर ही सेंटर बता दे एक साथ ही है ना हाँ, देखो यहाँ पर ये कौन सा है यह है सेंट्रल सीप रिसर्च इंस्टीट्यूट देखो समय कम है सबको नहीं लिख पाऊंगा थोड़ा तैयार रहना ना लिख लेना सेंट्रल सीप रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय है नेशनल लेवल का है नेशनल लेवल का है ऊन और भेड़ का विकास केंद्र है ये है अभी का नगर टोंक में जहां अभी कालीन बनाई थी अभी वस्त्र बनाई थी लिख लेना लिख लेना फटाफट फड़। फिर एन डी आर है एन डी आर तो करनाल में है लेकिन ध्यान रखना एन डी डी बी पर है नेशनल डब्बा डब्बा किसका है अमूल आइसक्रीम का है और अमूल आइसक्रीम खाके क्या आ गया आनंद आ गया सर पूरा नाम बताओ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रिक कहाँ का आया था ये क्वेश्चन हाँ क्रिक कहाँ का है क्रिग जो है वो कहाँ है मगदू में इसका पूरा नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गॉड यदि बकरी केंद्रीय स्तर पर पूछे तो मकदू मथुरा कर देना और यदि बकरी का चारा विकास कार्यक्रम पूछे तो अजमेर कर देना हरिभा में हाँ ये मिलाने वाले में ज्यादा टाइम लगता है अरे मजा इसी में ना यार परिवीण जी यार मिलाने वालों में तो आप सीखते हो ना एक में चार चार क्वेश्चन है ये बनाना कितना टफ है ठीक है हाँ फिर मिलाओ देखें आई वी आर आई है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये इज्जत है पशुपालन की क्योंकि वहां से जो केस होता है जैसे मेडिकल में एम्स है जैसे मेडिकल में एम्स है वैसे ही आईवीआरआई जो है वेटनरी का एम्स है जो इज्जत नगर बरेली यूपी के अंदर है वहाँ पक्षी चिकित्सालय भी है ये लिख लेना भाई हाँ आनंद का डब्बा हाँ गुड्डी जी आप वीडियो खत्म होता मुझे ये मैसेज करना आपको नंबर मिल जाएंगे एल एस ए में जो भी बच्चा है वो मुझे बताना मैं वीडियो खत्म होने के बाद आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा ठीक है ना बेटा हाँ ललिता जी ये चल रहा है एग्रीकल्चर का मैराथन चल रहा है क्वेश्चन वाला आज तो क्वेश्चन अरे यार मिला है या नहीं है ना मिलाओ एक का दूसरा एक का दूसरा दो तीन जना दे रहे बी, बी 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 का तीसरा सी 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 का चौथा राइट आंसर है सी बताओ देखे किस किस का सी गया भाई सी किस किस, किस का गया डी कहां से है बेटा सी किस, किस किस का गया है बिल्कुल बिजनेस स्किल सी है क्या नाम लिखते यार है ना बिल्कुल आई टी आई कहने क्यूँ छोटा तरुणा जी कह रहे हैं बेटा क्या करें अभी है ना थोड़ा सा मामला उधर टफ है कमजोर है इसलिए छोड़ा है बाकी छोड़ा कुछ नहीं है मेडिकल में आज भी हूं मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आज भी आपके द्वार खुले हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी और वेटनरी साइंस पशुपालन में आपको जब भी दिक्कत है, याद कर लेना काम हो जाएगा छोड़ते किसी को नहीं है छोड़ते नहीं है अपन तो तोड़ते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं ध्यान रखना छोड़ने वाला काम कुछ नहीं होता है हाँ, लाख हो जाएगा सर्दी बड़ा किस नस्ल की भैंस में जबड़े के नीचे आंखों को सफेद रंग की पट्टी होती है जबड़े के नीचे जबड़े के नीचे आंखों के ऊपर बताओ देखे मैं चेक करना चाहता हूं आप में से कौन कौन का प्रीवियस पेपर कल कल कराएंगे कल हाँ एक ये क्या क्वेश्चन है भाई ग्यारहवीं एग्रीकल्चर की पूरी क्लास मिलेगी गुरुजी बिहार एग्रीकल्चर प्लीज बेटा पूरी तो कैसे जो है उसमें से करा रहे हैं बुक थोड़ी पढ़ा रहे अपन लाइन टू लाइन बट ये है कि जो सिलेबस है ना ये का वो कवर कर रहे हैं हाँ राइट आंसर है सूरती क्या सिकल है क्या सूरत है क्या भूरी भूरी बहस है आंखों में सुरमा लगा के ये हंसियाती है दांत दिखाती है और 1600 से 1700 दूध देती है और साढ़े सात परसेंट फैट है भाई साहब एक एक लाइन को लिख लेना ये सब इसके सूरती के पॉइंट बोल दिए वापस बोलूं मैं सूरती सूरत गुजरात की है पॉइंट क्या है क्या सूरत है क्या सीकल है सीकल से फौन है क्या दांत है क्या हस्ती है दांतला हसियानुमा है ना क्या उसके अंदर मस्त सुरमा लगा के यहाँ पे पट्टी है और उसका दूध कितना सूरती सोलह सो से सत्रह सो और फैट कितना वहाँ पर फैट है कितना बताओ देखिए एक बार फटाफट बन जा मेरी सनम मुरा याद तो साढ़े सात परसेंट फैट है है ना हाँ ये यहाँ पर है क्या सिकल है क्या सूरत है क्या सुरमा लगा के आई है मैं कह रहा हूँ ना तुम्हारा मस्त माइंड फ्रेश हो जाएगा सवाल भी हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं अजय भी आएगा है ना यूपी बोर्ड भी क्लासेस मिलेगी सर के एनिमल डरी में बिल्कुल प्रियांशु जी अपन जितने भी है उनकी कोशिश कर रहे हैं आपके लगाने की हाँ आपके जो कमेंट है उसको हमारी टीम देख रही है और इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा ठीक है बेटा चलो केंद्रीय भैंस की के नस्ल है बताओ देखे केंद्र में कौन गए पूनम जी काशी गए पूनम जी काशी गए इसमें से ये है पी पांडेपुरी नागपुरी मंडा जरंगी कलहंडी सांबलपुर है इसका क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ पी से क्या है भाई पी से पांडेपुरी है पी से पांडेपुरी है एन से नागपुरी है एन से नागपुरी है, नाग है एम से मंडा है मंडा है जे से जयरंगी है जे से जयरंगी है के से काली हंडी है कल हंडी है ठीक है और ऐसे सांबलपुर है ये सब केंद्र की भैंसे होती है इसको बोलते हैं पूनम जी काशी गए पूनम जी काशी गए, यूपी का बेटा देखा भदावरी तराई साउथ का सेटा देखा साउथ का पूनम जी काशी गए, यूपी का बेटा देखा साउथ का डेक साउथ का सेटा देखा और गुजरात का समाज देखा और मन में कृष्ण गोपाल देखा इससे पहले वाली क्लासों में ट्रिक को पूरा लिखा हुआ अब भी पूरा नहीं लिखूंगा बेटा ना तो बताओ देखें क्या तरई है क्या नहीं तरई कहा की है यूपी की है क्योंकि यूपी की कौन सी यूपी का भैया यूपी का बेटा नागपुरी बिल्कुल ये पड़ा नागपुरी है इसकी ट्रिक ये पानीपुरी खाते समय नाग देखा मंडी में क्या जे रंग था काली हंडी जो था समझाओ खा जाएगा बदावरी भी कहाँ की यूपी की है सूरती कहाँ की है गुजरात की है एक एक गाय भैंस जो क्वेश्चन आएगा उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा लाइन टू लाइन उसको लाया जाएगा हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई पूनम जी काशी गए जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर में कौन सी आती है पाकिस्तान से दो नहीं तीन तीन, तीन गाय निकली थी एक निकली थी जो थार से होते हुए जैसलमेर जोधपुर तक सिमट गई है ध्यान ऐसे पड़ा करो कि घाय निकली पाकिस्तान से तो देखो एक तो निकली ग्रे कलर की सिंध से एक लाल सिंधी लाल सिंधी तो क्या थी सरकारी फार्म पे है ग्रे सिंधी जैसलमेर से थार पार्कर से निकली है हाँ थार पार्कर से निकली है और वहीं सीमित हो गई है जोधपुर जैसे रही तो ये ध्यान रखना थार पारकर है <coughs> कॉक्रेज कहा होती बेटा ज निकली तो कहां से कच्छ गुजरात से निकली कहां से कच्छ गुजरात से लेकिन सीमेंट कहाँ गई है जालोर साचोर. सवाई चाल होती है अरे दो दिन में इतना पशुपालन बोलूंगा कि ढंग से आपने सुना तो हो सकता उससे क्वेश्चन पड़ जाए जालोर साचोर में होती है है ना राठी जो है राठी थार पारकर और साई वाल से बनाई गई है राठी थार पारकर और साई वा से बनाई है राठी जब भी कोई बोलते हैं राठी क्या कर रहा है थारो है सा थारो है सा ये बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर इस साइड में ज़्यादा मिलती है और खिलाड़ी अपने यहाँ की नहीं साउथ की हैं हाँ बिल्कुल 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 ये है ना क्या है कमेंट है आदेश्वर जी का इलेवंथ एग्रीकल्चर पूरी क्लास मिलेगी क्या गुरुजी जी एग्रीकल्चर प्लीज टेल मी हाँ आदेश्वर जी ऐसा है कि प्रॉपर तो इलेवंथ की बुक हम नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कोर्स है उसमें हमने इलेवंथ और ट्वेल्थ के जो जो मेन टॉपिक है जो हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अठारह तारीख के पेपर में आने वाले उस कोर्स को पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है और यदि कोई आपके बिहार में या और भी एग्जाम जैसे जेट में आते हैं तो थोड़ा वेट करें हम जैसे ही अट्ठारह से फ्री होते हैं ना तो आपका जो जेट का कोर्स है या जहां एग्रीकल्चर और पशुपालन आता उसको सबको रिकॉर्ड करेंगे ठीक है ना हाँ कोशिश करेंगे अरे यार ऐप वाला यार कल ऐप में आ जाऊँ क्या आज ऐप में क्या है टाइम थोड़ा कम है आता हूँ मैं ना कल ऐप में आता हूँ मोहन सिंह जी कल आता हूँ ऐप में ठीक है आऊँगा आधे घंटे के लिए हाँ सर आप ट्रिक लेकिन करें हाँ बिल्कुल नीचे जगह होती है ना बेटा नहीं तो दिमाग में लिख के जाओ ना दिमाग में लिख के जाओ हाँ चलो में दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है दूध को बोलते हैं लेकिन दूध बोलते हैं लेकिन लेको इसी से होता है मीठा दूध दूध में होता है लेक्टा, को क्या बोलते हैं अरे दूध का दूसरा नाम है लेकिन है ना दूध और लेटा है और दूध इसी से मीठा होता है ध्यान रखना आज मैं जितना बोलूंगा वो सारे कहने के क्वेश्चन है ढंग से पूरे दिमाग से लाइन लेना दूध के पांच बिंदु लिख लो दूध के पांच बिंदु लिख लो क्या क्या सर दूध का सफेद रंग किससे होता है कैसिन से दूध का सफेद रंग किससे होता है कैसीन से दूध का मीठापन किससे होता है लैक्टोज से दूध का सफेद रंग किस से है मीठापन से है दूध गाय के दूध में हल्का पीलापन आता है से आता है कैरोटीन से किस आता है कैरोटीन में दूध में वसा किस रूप में होती है पायस के रूप में होती है और दूध जो है वो क्या है कंप्लीट फूड है जिसकी गाय भैंस भेड़ बकरी में रेंज आपको मैंने पूरी डेयरी में बताई नहीं तो आगे आ जाएगा बेटा ठीक है ना हाँ नेक्स्ट उत्तरी भारत की बेड़ है उत्तरी भारत की बेड़ होती है कौन सी ये गुरेज। इसकी ट्रिक है क्या चंडीगढ़ के गरबा पुराने, चंडीगढ़ के गरबा पुराने, इसमें से ये आती है चंग थंगी गड्डी ये ज्यादा चलती है ये काना है और ये रही यहाँ पे गुरेज है है ना देखो समय कम है काम ज्यादा इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा लेकिन आप एक्टिव रहना फटाफट चंडीगढ़ के गरबापुरानी इसकी ट्रिक के लिख लेना फटाफट चंग थंगी गड्डी ये लिख देता हूं नॉर्थ की जो भेड़े हैं उसमें से चंग थंगी है चंग थंगी है है ना? फिर कौन सी है गड्डी है? ये ज्यादा पूछते हैं पश्मीना वाले, है ना काना है गुरेज है काना है गुरेज है काना है गुरेज है रामपुर भुसैर है और कौन है आर के बाद भाकरवा है भाकरवा एक बार पूछी हुई है और पूछी पूछी नस्ल होती है किसकी भेड़ की क्वेश्चन ऐसा आएगा पूछी किसकी नस्ल है गाय भैंस भेड़ बकरी उस समय कईयों की पूछ मुड़ नहीं जाए इसलिए ध्यान रखना पढ़ के जाना ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई वी है तो इसकी ट्रिक होगी क्या चंडीगढ़ के गरबा पुराने चंडीगढ़ के गरबा पुराने यहाँ लिख रहा हूँ चंडीगढ़ के गरबा जो है पुराने हैं तो नए कहा के हैं गुजरात के हैं ये नॉर्थ की भेड़े हैं बेटा है ना चलो थोड़ा फास्ट रहना एक्टिव रहना क्योंकि दो दिन ही है, है ना इसलिए फटाफट अपना काम कर लेना जोरदार वाला चलो ब्रांडिंग यह भी क्वेश्चन आया भाई पिछले अभी मैं कल आऊंगा पेपर यह भी क्वेश्चन आया है टैटूइंग क्या होता आया था आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था टैटूइंग क्या होता है है ना सुने क्या होता है कि जैसे ह्यूमन मानव हम अपन नाम देते हैं राहुल है विकास है स, कुछ भी नाम दिया लेकिन पशुओं में नाम क्या देते हैं सर कई जन देते देते हैं बट पशुओं में क्या करते हैं उसके ऊपर जान के ऊपर कुछ नंबर लगा देते हैं आप देखो अगर नौ पाँच सात तो बड़े पशुओं में तो क्या करते हैं लोहे की रॉड को गर्म करके फिर उसके ऊपर चिपका देते हैं उसे बोलते हैं ब्रांडिंग क्या बोलते हैं ब्रांडिंग वो कोल्ड भी होती है हॉट भी होती है तो ये जो ब्रांडिंग है है ना ये है बी से ब्रांडिंग बी से ब्रांडिंग बी से बिग है ना बिग एनिमल में बड़े एनिमल होते हैं उसके अंदर होती है तो एक आती है ये आई थी आपके है ना ये आई थी आपके टैटू टैटू बनाना ये में होता है भेड़ बकरी और कुत्तों में स्मॉल एनिमल सर ये होते क्या है ये बेटा पहचान के तरीके होते हैं ये सेम क्वेश्चन आया था यहाँ पे पहचानने के तरीके पशुओं को पहचानने के तरीके में बड़े पशुओं में करते हैं ब्रांडिंग छोटे पशुओं के बनाते हैं टैटू इसलिए बोलते हैं टैटूइंग क्या बोलते हैं छोटू छोटे को बोलते हैं टिटू है टिटू को टिटूइंग और बड़ा है ब्रांडेड कपड़े पहनता है ब्रांडिंग है घोड़ा बड़ा है बेटा बजरंग जी घोड़ा बड़ा है इसलिए घोड़े में ब्रांडिंग देखो छोटे का बोलते अरे टीटिया टीटीएम में टिटू बना दो <laughs> टीटू में टीटू बना बड़ा ब्रांडेड कपड़े पहनता है ब्रांडिंग है ओके है भाई आईसीआर बीएचयू कोर्स चालू कर दो प्लीज सर हां यह बात भी आपने सही की है लेकिन आईसीआर में वही है ना बेटा आईसीआर मेडिकल की तैयारी करो और मेडिकल से ही आईसीआर को दो है ना मेडिकल की तैयारी करो मेडिकल से ही देओ उसको ठीक है ना हां चलो तो बताओ बड़ा कौन इसमें से सुरार और कुत्ता कैसे हैं स्मॉल है और स्मॉल में क्या बनाते हैं टैटू बनाते हैं क्या बनाते हैं टैटू बनाते हैं और घोड़ा क्या है बड़ा है घोड़ा क्या है बिग है बिग में ब्रांडिंग है लिख लेना भाई हर एक बात को क्योंकि मैंने कोशिश की है कि लगभग हर यूनिट से पेपर इसमें से कंप्लीट हो हुँ. ये क्या कह करे भाई सर जी आर वी यू एन एल जूनियर असिस्टेंट क्लास शुरू करो बिल्कुल जयपाल जी बाना साहब आपका कमेंट्स जो है मैंने भी पढ़ लिया है और टीम ने पढ़ लिया है इसलिए आप बार बार कॉपी पेस्ट मत करो है ना इसको हम विचार करेंगे और निर्मल सर तक पहुँचाएंगे बस हाँ एक बार कोई कमेंट कर देना यार सुनो यार एक बार कमेंट करने के बाद उससे बार बार मत चिपकाए करो फिर क्या है वही वो, वो दिखता है तो लगता है यार बड़ी भारी शिकायत है ठीक है ना हाँ इसलिए आपके कमेंट को देखते हैं निश्चित हो और कोशिश करते हैं फिर हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं है ना हमारे भी कुछ न कुछ ऐसे केस फंसे हुए होते हैं फिर भी आपके उसको हम कहाँ रखते हैं सर आँखों पर रखते हैं और आपका काम करते हैं ठीक है ना हाँ आ, बी एस सी एग्रीकल्चर्स की क्लास स्टार्ट कर दीजिए अब बी एस सी की क्लास अभी नहीं होगी अभी तो कंपटीशन ही पूरा नहीं पड़ रहा था तो बी एस सी कहाँ से होगी लेकिन भविष्य में बी एस सी की भी करेंगे ना हाँ चलो नेक्स्ट यह भी तगड़ा क्वेश्चन है भेड़ के अंदर त्वचा में झुरिया और सलवटे भाई साहब ऐसी कौन सी भेड़ देखी आपने हाँ ये आपको आ जाए तो बढ़िया बात है नहीं तो मैं बता इसको तो है ना हाँ ये मेरिनो होती है बेटा मेरिनो जो होती है ना मेरिनो मेरिनो में इतनी ज्यादा ऊन होती है उस ऊन से उसके छलवटे पड़ती है मैंने आपको फोटो दिखाया था कभी क्लास में याद करो जब मैंने आपको भिड़ो की नस्लें बकरियों की नस्लें कराई थी इसी बैच में यूट्यूब पे तो वहां पर आपको मैंने एक भिड़ा दिखाया था भयंकर है ना किसी को याद है तो है ना तो भिड़ा दिखाया था तो उसके अंदर उसके देखो सींग थे है ना सींग थे हाँ बिल्कुल सौ करने हैं सौ तो अभी हो जाएंगे नहीं होंगे क्या हो जाएंगे हो जाएंगे है ना सौ देखो सौ करना ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन जितने करे वो याद हो ये ध्यान रखना जल्दबाजी में कहीं अपन गलत नहीं कर ले ईश्वर जी इसलिए सौ क्या मैं तो हजार ही करा दूंगा लेकिन प्लीज ऐसे नहीं हो कि उन सौ का मीनिंग नहीं, नहीं निकले मतलब निकलना चाहिए आनंद आना चाहिए बताओ किस नस्ल की बकरी में कान लंबे लटके हुए हर कानों पे सफेद धारियां हैं बताओ देखे फटाफट कान लटके हुए ना जब भी लटके हुए आते हैं तो पत्ती नुमा कान आते हैं और पत्ती नुमा कान आते हैं वो तीन लोगों में है सीमा सिमा बेटा बेटा में आएगा बेटा में आएगा नहीं नहीं सी नहीं है भाई प्रवीण जी सी नहीं है हाँ जमुनापुरी नहीं है जमुनापुरी नहीं है हाँ सी 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 कैसे दे रहे हो भाई जमुनापुरी नहीं है सफेद आ रे जमुनापुरी सफेद कलर की होती है खुद ही यार हाँ जय सिंह जी सही कह रहे हैं अरे जमुनापुरी तो खुद सफेद कलर की होती है फटाफट सी 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 की यार नहीं 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 है हाँ चलो जमुनापुरी तो खुद सफेद रंग की होती है तो उसमें सफेद धारिया कहां साई एक बात बताओ कोई सफेद कलर का ना उसमें सफेद धारिया ठीक है मामला <laughs> है ना काली में सफेद धारिया होती है काली में मैं सफेद आ अब सही आंसर आ रहा है बी बी बिटल 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 जो है ना एक्चुअली को बिटल है ना बिटल इधर देखना बीटल ब्लैक है ब बीटल ब ब्लैक है और ब्लैक में क्या है सफेद धारिया हैं ये ध्यान रखना ऐसे है है ना पत्ती नुमा कान जब भी आते हैं वेटना सुन लेना ढंग से लिख लेना जब भी पशुपालन में पत्ती नुमा कान लंबे लटके कान आते हैं तो चार लोगों को सर ये क्या है सिगे मां बेटा ट्रिक है सी से सिरोई नस्ल होती है बकरी की उसमें भी कान होते हैं गिर होती है गाय की उसमें भी कान लटके हुए होते हैं मालपुरा होती है भेड़ की और बेटा में बीटल होती है जो आपके सामने जब भी पशुपालन में लटके हुए कान या लिखा जाए पत्ती नुमा कान सिगे माँ बेटे सगे मां बेटे ही पति होते हैं पति की राह कौन देखता है सगी माँ देखती या बेटे देखते हैं बाकी लोग कौन देखेगा तो सगी मां बेटा पति नुमा का आने लिख लेना भाई है ना हाँ एग्जाम की तैयारी कैसे बढ़िया है भाई एग्जाम की तैयारी फुल है <laughs> चलो निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है विदेशी है नाम से पता चल रहा है जमुनापुरी यमुनापुरी यूपी की है बीटल है पंजाब की है बीटल है पंजाबी सिरोई जो है राजस्थान की है बच्ची कौन सी बारबरी बारबरी कहाँ है बारबरी है अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश की अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश की तो अफ्रीका तो भाई विदेशी है ना तो विदेशी नस्ली है ना टॉगन वर्ग होगी ये है आवाज थोड़ी क्लियर करो माइक हिल रहा है माइक हिल रहा है अभी करते हैं चलो भाई अब ठीक है अब चेक करना नहीं रहा एक बीच में की तैयारी कहां से, से करो अरे उत्साह से बढ़िया क्या है आ जाओ यहाँ पे हाँ, बार बारी अफ्रीका बिल्कुल बार बार अफ्रीका जाता है बार बार अफ्रीका जाता है लाओ भाई बकरी में तीन से चार पर देखना चाहता हूँ कौन कौन इसका राइट आंसर करते हैं हाँ कौन कौन इसका राइट करते हैं बकरी में फैट बताओ देखें बकरी में आप क्या आते हैं तुसी बीज बाजरा लाना तुसी बीज बाजरे का लाना किसी ने कहा तुसी जाओ मंडी तो बीज कौन सा लाना बाजरा लाना सर ये क्या है ये ट्रिक है बेटा टी से है बर्ग टी से क्या है बर्ग टी से क्या है बर्ग है सी से क्या है सिरोई है लिख लेना ढंग से है ना बी से क्या है बिट्टल है बी से क्या है ज से क्या है जमुनापुरी है ज से क्या है जमुनापुरी है बाजरा से क्या ट्रिक है बारबरी है अब देखना इसमें टी आराम देखो टी टी से तीन से चार है टी से तीन से चार है तीन से चार प्रतिशत है सिरोई जो है थोड़ा बढ़ा दो थोड़ा बढ़ा दो, दो, दो।, दो। लास्ट जो है वो क्या कर दो साढ़े चार से पांच कर दो लिख लेना बेटा सारे डेटा एग्रीकल्चर बुक्स है ऑथेंटिक है एक एक की पुष्टि हुई है एक एक को फुल जाचा परखा हुआ इसमें से ऊपर नहीं है हाँ तो अब मिला लो इसमें से किसका पूछा है बेटा तीन से चार दूध ज्यादा होता लेकिन वसा कम होते। से बताओ देखे साढ़े तीन से पांच प्रतिशत ये भी क्वेश्चन आता है सिरोई कितना है साढ़े तीन से साढ़े चार प्रतिशत थोड़ा एक्टिव रहना एक एक चीज को लिख लेना क्योंकि आप पूरी किताब को चार बार पढ़ेंगे तब जाके ये थोड़ा बहुत आएगा और वीडियो को चार बार देख लिया तो पूरी किताब आपके कहीं ना कहीं इस पेपर में डाल रखी मैंने कोशिश की है नेक्स्ट किस बीमारी क्वेश्चन था पिछली बार भाई पिछली बार पे क्वेश्चन था है ना एंथ्रेक्स का क्या रीजन क्या है इसका अभी बताते हैं रीजन एंथ्रेक्स है इसका रीजन बताता हूं पोस्टमार्टम नहीं करना है क्यों क्योंकि यहां पर क्या होता है यह बीमारी है ना पोस्टमार्टम नहीं करना है क्यों क्योंकि एंथ्रेक्स जो होता है एंथ्रेक्स जो होता है एक जुनोटिक बीमारी है सर ये क्या होती है जुनोटिक, जुनोटिक बीमारी होती है जो पशुओं से पशु से या पशु से मानव में पशु है ना पशुओं से है ना मानव या फिर पशुओं में चली जाती है तो आपने क्या पोस्टमार्टम कर दिया डॉक्टर के लिए लाइन होती बाकी हर कोई तो कौन करता है और फिर जुनौट्टी के साथ साथ इसके क्या बनते हैं बीजाणु बनते हैं यदि ये पोस्टमार्टम किया गया और बीजाणु मिट्टी के अंदर चले गए तो वर्षों औसत तक मिट्टी में रहते हैं इसलिए यहां से मिट्टी से ये क्या होते हैं सक्रिय होकर है ना क्या करते हैं महामारी का रूप ले लेते हैं पेंडेमिक हो जाती है और कोरोना कुछ नहीं है उससे सौ गुना खतरनाक बीमारी है यदि एंथ्रेक्स फैल जाए तो लोगों में त्राई तराई मच जाता है एक से दो दिन में मौत कोरोना में फिर भी ऑक्सीजन देकर जिला सकते थे इसमें तो नाक से आंख से खून आता है तुरंत मौत है पर एक्यूट डिजीज होती है ये रीजन है ठीक है ना अब देखो बेटा बट बेटा दो कारण है इसके ना एंथ्रेक्स जो होता है एंथ्रेक्स जो होता है उसमें नाक से मुंह से कान से खून निकलता है उस खून में होता है बीजाणु खून में क्या होता है बीजाणु इस पर होते हैं वो बीजाणु मिट्टी में सालों तक सालों तक क्या करते हैं अपने आप को रख सकते हैं गलती से वो बीजाणु हवा से उड़ा और किसी में लगा वो पशु क्या हो गया बीमार उस पशु से और पशु पूरे पशुओं में फैल गई पशु से मानव पूरे मानव फैल गई अरे कितना भयानक मंजर होगा सभी पशु मर रहे हैं सभी मानव मर रहे हैं एक तरह से त्राइमाम हो जाएगा इसलिए वेटनरी में साफ हमें सिखाया जाता है यदि आप किसी गाय भैंस का पोस्टमार्टम करने जाए और उसके नाक से कान से खून दिखे सीधा रोक देना सब कर रहे नहीं 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 कोई चीरा चिराफड़ा नहीं करना है सीधा सट क्या करना है खड्डा खोदना है गहरा कह रहा कम से कम छह से आठ फुट तक और एकदम उसको पीपी किट में कैसे ले जाते वैसे प्लास्टिक में पूरा पैक करके फिर उसको बूढ़ देते हैं और उसमें से जो खून निकला उसको भी साथ साथ बूढ़ देते हैं ये वजह है hmm. किशन जी का के आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते गुरु जी किशन जी मैं पूरा वेटनरी पढ़ाता हूँ पशुपालन के दस सब्जेक्ट और आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ सोलह की भर्ती में अठारह की भर्ती में हजारों विद्यार्थियों को उत्कर्ष से हमने पूरा पढ़ाया है एक दो नहीं होता एक दो क्या होता है सारे ही पढ़ाता हूँ मैं अब मैं यहाँ को एक दो थोड़ी पढ़ाता हूँ इसलिए ध्यान रखना ये क्वेश्चन मत करो क्या पढ़ाता ये है जीके मैं पढ़वाता हूँ दूसरों से बाकी ये है एल एस ए में तो भाई साहब एक छत्र आपकी दया से ही राज है है ना सीतापल का खुल मेरे को नहीं पता बेटा एग्रीकल्चर मुझे मत पूछो एग्रीकल्चर मत पूछो वेटनरी पशुपालन पूछ लो बायोलॉजी पूछ लो केमिस्ट्री पूछ लो इन तीनों में से कुछ भी पूछना पूछ लो और चौथा थोड़ा बहुत यदि आता है तो आर्ट कल्चर पूछ लो है ना उसके अलावा कुछ नहीं आता है एग्रीकल्चर बिल्कुल ही नहीं आता है ठीक है ना हाँ लो फटाफट आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं <laughs> समय कैसे करें बेटा ये लाओ देखें ये आपको कैसे आएगी इसमें माइनोर का जो है माइनोर का कहा की है माइनोर का है भूमध्य सागर की ये आपको पता है क्या मुर्गिया माइनोर का कहां की है भूमध्य सागर की पुराना वादा अमेरिकन है ना ससेक्स कहाँ की है ससेक्स इंग्लिश की है और कोचिंग कहाँ की है आ, एशिया की हाँ कोचिंग एशिया की है थोड़ा सा वापस करते इसको मैं बता देता हूँ तो देखो माइनोर का जो है ना हाँ ये है कौन सी मेडिटेरियन की है भूमध्य सागर की है ये जो है भूमध्य सागर की लिख लेना भैया सागर की है है ना फिर प्लाउम ये कहाँ की है अमेरिका की है ये भी आपके लिख लेना ससेक्स कहाँ की है इंग्लैंड की है है ना ब्रिटिश की है ये कहाँ की है इंग्लैंड की है ये कहाँ की है इंग्लैंड की है और बताओ कोचिंग कहाँ ब्रह्मा लिंग असली कोचिंग ये एशिया की है एशियाटिक है अब इसकी ट्रिक का समय नहीं है क्योंकि इसकी ट्रिक बहुत लंबी चौड़ी है इसमें छोटे मोटे छह वर्ग है है ना हाँ तो यहाँ पे मिलाते हैं मिला माइनर का कहा सागर ये रहा सर ये भी हमारे हैं क्या बेटा बिल्कुल कोर्स में है पलाई मोहरा अमेरिका की है है ना कहा इंग्लैंड की है और कोचिंग इसकी है देखें डी का चौथा एक ही राइट आंसर है ठीक है एक मिला लो एक मिला लो सही हो जाएगा ठीक है ना हाँ सुने ढंग से इसमें से ये मुर्गियां जो आपके हैं ये दी हुई है ग्यारहवीं बारहवीं क्लास में ठीक है तो वहां से बिल्कुल थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई समय भी कम है क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए लिखने का आपको थोड़ा फास्ट रखना या फिर वीडियो को पोज कर, कर करके देख लेना है ना हाँ चलो करो फटाफट इसको बहुत मस्त क्वेश्चन है सौ परसेंट चांस आने के आया हुआ है यदि गाय और भैंस का दूध साथ में मिला हुआ होता है तो कौन सा परीक्षण करता है फटाफट बताओ देखें कौन सा करता है हम्म धन्यवाद धन्यवाद भाई पटना से जी हाथ कैसे जुड़े हो c a c a क्या हंसा अरे रेखाए का गरबर विधि हंसा परीक्षण होता है ए राइट आंसर है हंसा परीक्षण है गभी कभी अरे एक मिनट सॉरी 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 वसा वसा है ना वसा है ना तो गरबर है देखो भूल जाओ ऐसे वसा घी घी से गरबर ऐसे गसा क्या होती है घी मैंने सोचा था ये है हंसा किसका होता है हंसा गाय भैंस दूध का होता है गाय भैंस का दूध मिक्स होने पर ये टेस्ट करना जाता है ठीक है स्ट्रिप कट किस में करते हैं थनेला में करते हैं उसमें क्या करते हैं वो अभी टाइम नहीं है नकलिंग तो दूध निकालने की एक विधि है है ना बिल्कुल तो यहाँ पर गर्भ सुनना ढंग से घ गरबर घ घी घ गरबर घ घी घ गरबर घ घी घी वसा जब भी आपको घी पूछे हाँ इसमें भी कई क्वेश्चन होते हैं घर विधि के अंदर आपको 1100 सौ पर मशीन घुमानी ये क्वेश्चन बहुत पूछा है 1100 सौ पर मशीन घुमानी है इसके अंदर दस पॉइंट पिछहत्तर एम दूध लेते हैं दस एम एल एस्ट्रोस एक एम एल एम लेते हैं ठीक है ना बेटा हाँ अब देखो बहुत ज्यादा नहीं है लिखा हूं लेकिन साथ साथ सुनते रहो सुनते रहो आज वो कह रहा मोती मोती टपकने वाले हैं वेटनरी के फॉर्म कब डलेंगे वेटनरी के फॉर्म किसके बेटा वेटनरी में पशुपालन में दो तीन वैकेंसी होती है डॉक्टर के लिए आपको पीएमटी की परीक्षा देनी पड़ेगी प्री मेडिकल टेस्ट होता उसी से वेटनरी मिलती है या राजस्थान में पीवी का अलग होता है जो आपके हो गया है इस बार तो अगले साल आप बढ़ना फरवरी मार्च मार्च का रिफॉर्म आएंगे फरवरी मार्च में आता है ना नेक्स्ट इंसुलिन की मात्रा क्वेश्चन आया भाई क्वेश्चन पूरे छह सात पेपरों में से मिला के बनाया है हाँ अट्ठारह तारीख वाले पी डी भेज देंगे भाई जल्दी एलएसए क्लासेस स्टार्ट करो उत्कर्ष में अंजना जी ओजा जी आप जब वीडियो ख़त्म है तो मेरे को मैसेज डालना मैं बता दूंगा आपको है ना हाँ अभी नहीं आंसर दे पाऊंगा एलएसए का तो एलएसए के बारे में जो भी इंक्वायरी है जो भी एलएसए है वो मुझे पोस्ट वीडियो कमेंट डाले उसमें मैं उसका आंसर दूंगा हाँ बिल्कुल ऊंटने में है इसीलिए ऊंट का दूध बहुत फेमस हो रहा है ऊँटने का दूध क्यों फेमस हो रहा है इंसुलिन की मात्रा सर इंसुलिन कम मात्रा में होता है लेकिन फिर भी है तो है बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है ना आपके क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन पड़ता है ये तो मतलब सौ परसेंट क्वेश्चन ही है फटाफट तीसरा ये भी क्वेश्चन आया हुआ लो ये भी इसका क्वेश्चन है रट या मरत क्या होता है तीसरे को तो बताओ फटाफट रट या मरत क्या होता है हाँ। रट या मरत होता है ऊंट में ये क्या होता है रट या मरत ये होता है ये जब ऊंट के अंदर सेक्सुअल डिजायर होती है अब ये क्या होती है लैंगिक इच्छा होती है जनन करने की इच्छा होती है लैंगिक इच्छा होती है जनन करने की इच्छा होती है तो ऊंट अपना सॉफ्ट फेलेस यहां से बाहर निकालता है और वहां पे उसका लग जाता है ऊंट का मन कर रहा है किसका जनन करने का तो वो क्या तैयार है फिर ऊंट निकलाओ या उससे सीमन कलेक्शन करते हैं, दैट इज अरठ या मरद बोलते हैं नेक्स्ट लाओ फटाफट दूध में स्ट्रिप कट टेस्ट बहुत फेमस है ये भी पूछा हुआ है स्ट्रिप कट टेस्ट के में दूध की एक धार छोड़ते हैं तेजी से एक खाली बर्तन लेते हैं और दूध की धार छोड़ते हैं तेजी से यदि पता चल जाए हाँ मनीषा जी दिया है बेटा दिया है ना आपको बिल्कुल और दूंगा आज देखूंगा आपका पोस्ट वीडियो कमेंट में पोस्ट वीडियो कमेंट का आंसर देता हूं मैं ठीक है आओ इधर फटाफट आ, इस है, इसमें क्या होता है तो दूध की धार छोड़ते हैं तेज यदि दूध की धार में आपको हल्के बुलबुले दिखे या लगे इसमें यार किसी ने रसगुल्ला छाड़ दिया है छेना दिखे तो समझ जाना क्या है वहां पर मेस्टाइटिस है थनेला है मेस्टाइटिस है थनेला है ना हाँ चलो लाओ देखें फटाफट इसको मैं तेजी से करा देता हूं देखो इसका सबसे बेस्ट है रानी को सोटा मार के मुक्ति दी कल बताया था ना रानी को मनमोहन और मोदी ने सोटा मारा मुक्ति दे दी एक तो मिलाना आता ही है ना तो देखो बी का एक कौन दे रखा बी का एक एक ही आंसर है। मैंने इससे पकड़ लिया बस बाकी मिलाना नहीं है मेरे को है ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाकी टाइम नहीं है बेटा मिलाने के लिए अभी है ना कि क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम बहुत कम है ठीक है चलो किस नस्ल के अंदर पिन अस्थि अंदर की दबी जब कभी भी सुन ले मेरी बात कान खोल के और लिख लो फटाफट जब कभी भी बीकानेरी की बात है बीकानेरी के तीन पॉइंट पहला पॉइंट है क्या पिन अस्थि अंदर दबी दूसरा इसकी खोपड़ी में एक जगह होती है खोपड़ी में एक इंप्रेशन होता है जिसे खड्डा है ना होता है जिसे स्टॉप कहते हैं ये सिर्फ बीकानेरी में होता है स्टॉप कहा जाता है पक्का क्वेश्चन आता है और एक बीकानेरी में है ना पलकें बड़ी होती है ना पलके क्या होती है बड़ी होती है ज्यादा होती है बड़ी हुई होती है जिसे क्या बोलते हैं झीपरा बोलते हैं कहते हैं ना मारियो हो है ना ये झीपरा कहते हैं तो जब कभी भी ध्यान रखें बीकानेरी ऊंट उन्ट आए ऊंटों की पूरी लाइन बता रहा हूं ऊंटों की पूरे क्वेश्चन बता रहा हूं ढंग से देखना जब कभी भी आपको पूछे कि साहब किसके खोपड़ी में स्टॉप है बीकानेरी किसके अंदर पिन बॉन्न दबी हुई बीकानेरी किसके अंदर झीपरा है बीकानेरी तीन लाइनें बीकानेरी के लिए लिख देना फटाफट हा सिर में ऐसे दबा होता है खड्डा बिल्कुल होता है ठीक है फटाफट बीकानेर के लिए तीन लाइन लिख लेना बीकानेर के खड़ सर में खड्डा है झिपरिया है यहाँ से बाल बहुत ज़्यादा है और पिन बॉन दबी हुई है ठीक है और उसके बाद जब कभी भी मेवाड़ी की बात आए काला भूरा ऊँट है काला भूरा गंदा सा छोटा ऊँट है।, है हाइट कम है हाइट कम है और इसका होट लटका हुआ है होट लटका हुआ है और जैसलमेरी की बात जब भी आती है तो दुबली पतली नस्ल होती है दुबली पतली नस्ल होती है दुबली पतली नस्ल होती है और भूरी होती है और तेज भागती है तेज भागती ये ऊँटो का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इससे बार ऊंटो का क्वेश्चन नहीं सर कच्ची क्या होती है कच्ची और खारी जो है कच्ची और खारी जो है ये गुजराती नस्ल है गुजरात में दो नस्ल मिलती हैं कच्छी और खारी ये कच्छी होती है गुजरात की नस्ल है ठीक है ना बेटा हाँ एक ही क्वेश्चन से सौ क्वेश्चन पटक सकते अपन आय की दृष्टि से बेटा पहले चलता था तेजाजी पशु मेला लेकिन अभी जो है नागोरी बैलों पर रोक लगने से तेजाजी पशु मेलों की आय कम हुई है और करंट में जसवंत पशु मेलों से आय ज्यादा बताई जाती है हाँ आंखों पर बाल वही झीपरा है ना यार ए आर जी चौधरी आंखों पर बाल झीपरा और झिप्रिया कौन है अपने हाँ झिप्रिया कौन है झिप्रिया है बिकनेरी मजा आ रहा आज तो बिल्कुल थैंक यू भाई एक कुबड़ वाला वोट बताओ वाल, डेरियस डी डेरियस डी डेजर्ट वाला डी डेजर्ट वाला वाला कौन सा मतलब अपने इसमें बैक्टीरिया होते हैं दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं दो तरह के कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये दो कुबड़ वाला है अरे बैक्टीरिया होता है दो प्रकार का ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो जो मैंने जैसे जैसे सोचा था जैसे याद किया था वैसे वैसे बता रहा हूँ फटाफट लिखते जाओ हाँ नेक्स्ट मिलाओ भाई अरे वितरण क्षेत्र से तो क्वेश्चन आते ही आता है मजा आ जाएगा ढंग से आपने सुन लिया तो स्टार्ट करें क्या देखना सुनना गुजरात से दो नजने लिखने ऐसे कैसे बोलना गुजरात से दो नस्लें एक चली गई जालोर साचो और कॉन्करेज एक चली गई अजमेर भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ अभी ऊंची गिर उसके बाद पाकिस्तान से निकली तीन नस्लें उसमें से थार पार कर थार से होते हुए जोधपुर और इधर आ उधर राठी चला गया किधर गंगानगर हनुमानगढ़ उधर राठी चला गया गंगानगर हनुमानगढ़ और मेवात मेवाती भरतपुर अलवर चले गई और हरियाणा से अटैच में हरियाणवी आ गई और मालवा कहाँ चले गई मालवा एम से टच सारा का सारा बोल दिया है है ना सारा का सारा बोल दिया है बिल्कुल बिल्कुल उन्नीस के बाद बताया ना आपको, तो? आपको बता अलवर और भरतपुर इसको मेवात क्षेत्र बोलते हैं तो देखो कहीं अलवर भरतपुर है क्या ये रहा अलवर भरतपुर है क्या हाँ बिल्कुल है सर तो कहां है बताओ देखे ये रहा राठी जो है बीकानेर है हनुमानगढ़ है उधर है है ना गिर गुजराती नस्ल है और कहाँ मिलती अब भी ऊंची उदयपुर में और जोधपुर जोधपुर जे, जैसलमेर और बाड़मेर इधर है मिलाओ देखें ए का चौथा कई जन दे रहे हैं बी 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 का पहला दो जने दे रहे हैं सी 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 का दूसरा ये पड़ा भाई ए का चौथा बी का पहला सी 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 का दूसरा और डी का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है ये राजस्थान में मैंने नस्लों के बारे में आपको लगभग पूरा बता दिया कहा की कौन सी देखो थोड़ा फास्ट है बेटा हाँ इसलिए टाइम कम लगता है ना हाँ अब बिहार का पशु मेला बेटा अभी राजस्थान की बात हो रही है इसलिए बिहार फिर इंडिया के पशु मेला मैं आपके लाऊंगा ठीक है हाँ किस नस्ल आयताकार ये नहीं पूछेंगे थोड़ा फास्ट चलते हैं इसको है ना हाँ इसको नहीं पूछते हैं आ जाओ ये भी हटाओ आकर्षक होती है सफेद रंग है ना सफेद है तो व्हाइट है देखो सफेद से व्हाइट मिला लो ये कुछ क्वेश्चन है थोड़े कम चांस उसको कम लेंगे हाँ आ जाओ फटाफट ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर फटाफट थर्टी एट ये तो भाई साहब एक वीडियो देख लेना आपको आनंद आ जाएगा उसके अंदर सब है सर क्या सुपरवाइजर करंट जी का आएगा क्या नहीं करंट जी के कहाँ आता है ठीक है सुपरवाइजर का फिक्स कोर्स है सिलेबस है वहां से आता है क्वेश्चन और आपको सिलेबस नहीं पता आप क्या पूछ रहे लास्ट में बैठा दिव्यांश जी पटा पढ़ा जाओ बराबर थर्टी एट का लिखो थर्टी सिक्स थर्टी सेवन हो गया छोड़ो थर्टी एट का बिल्कुल राइट आंसर है जिसमें बल ज्यादा होता है उसमें थोड़ी सी मैं आ जाती है मेड़ता पुष्कर में कौन सा है कार्तिक पशु मिला है ना मानासर में कौन सा है रामदेव पशु मेला पर्वत सर पर्वत पर तेज तेज पड़ जाते हैं कौन तेजो जी याद करो वो क्लास जहां पर अपने है ना चैत्र में बम फोड़ते हैं सवण भादवा गोगा तेजा सवण भादवा गोगा तेजा और कार्तिक में कांस देखते हैं और जगो शिवराम दस के दस पशु मेलों की डेट तिथि जगह नस्लें सब याद करे थी बाराते लेके आता है नागोरी जगो शिवजी जगो हरियाणवी माल लेकर कौन बागे चंद्र भागा घूमती के साथ और कार्तिक पशु मेले में गिर गई गिर और बची कौन सी थी मल्लीनाथ कथा कहते हैं मल्लीनाथ कांग्रेस थार पार कर जिसको भी पशु मेले में दिक्कत हो जिसको भी पशु मेले में दिक्कत हो तुरंत जाए अपना वीडियो नंबर शायद सेकेंड या थर्ड पड़ा है वहां पशु मेलों पे पूर्णतया पोस्टमार्टम किया हुआ है एकदम मजा आ जाएगा देख के लेकिन अभी बेटा नहीं बता पाऊंगा इतना टाइम नहीं है है ना अभी ट्रिकों को नहीं बता पाऊंगा इतना टाइम नहीं है हाँ ये रहा कंकरेज और थार पार के कथा कथा कंकरेज और थार पार का कथा कथा कौन कहते हैं मल्लीनाथ कहते हैं कथा कौन कहते हैं मल्लीनाथ कहा गया मल्लीनाथ ये रहा जसवंत पशु मेला है जसवंत कहाँ है जसवंत भरतपुर में है और भरतपुर जो है कहां से टच है हरियाणा से है इसलिए हरियाणवी नस्ल है ट्रिक बोल दूंगा लिख लेना एक बार कार्तिक पशु मेले में गई पुष्कर में गई और पुष्कर के कुंड में जाके घिर गई पुष्कर के कुंड में जाके घिर गई घिर है चंद्रभागा क्या लेके माल लेके मालवी नस्ल चंद्रभागा घोमती को लेकर घोमती के साथ क्या था माल था तो चंद्रभागा गोमती के साथ माल लेके है ना इसकी ट्रिक ये थी बराते नागोरी है बराते लेके आता है नागोरी बराते बलदेव रामदेव और तेजाजी जगो शिवजी जगो जसवंत गोगा और शिवरात्रि पशु मिला हरियाणवी माल लेके कौन भागे माल लेके भागा गोमती के साथ मालवी कथा कौन कहता मल्लीनाथ और पुष्कर के कुंड में जाके गिरी ये लो भाई साहब पूरे दस डाल दिए <laughs> ऐप में है क्या बेटा बिल्कुल ऐप में सब है में के सब हां बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है चलो ये बताओ देखें पास में चाहिए क्या ट्रिक थी इसकी पास में चाहिए पास में चाहिए कौन अब तो फादर अब तो फादर मदर और डॉटर और टीवी टीवी मतलब टीबी ये तो है पास में चाहिए अब फादर मदर और डॉक्टर इधर से बोलेंगे क्या ट्रिक बोलो फटाफट पास में चाहिए इधर क्या बोलेंगे पास में चाहिए बता दी थी मैंने पहले लेकिन और बता रहा हूं इससे क्या है इसको मिला लो अब इसकी फादर मदर डॉटर और टीबी सर ये क्या है ये बेटा पर एक्यूट में एंथ्रेक्स है देखो एंथ्रेक्स है क्या ये पढ़ा फिर एक्यूट में बीक्यूएचएस है बीक्यूएचएस है क्या हां 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 ये रहा ये रहा एचएसबीक्यू ठीक है फिर कौन सा है सब एक्यूट फैमिली है क्या ये रही एफएमडी और क्रॉनिक मैटी भी है क्या ये रही टीबी ऐसे मिलाते पास में चाहिए पास में चाहिए अब तो फादर मदर डॉटर और टीबी ऐसे याद कर लेना तो ए ए ए का तीसरा ए के आंसर नहीं नहीं दो दो है बी 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 चौथा सी बराबर अद लेगा सी का भाई क्या है चौथा है, है हाँ सी का चौथा है सी का चौथा गलत है फिर ही तो ए का पर है एंथ्रेक्स, ए का तीसरा है बी का चौथा है सी 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 में सी में, सी का दूसरा है, राइट आंसर है ये वाला सी रहा है क्या आंसर बिल्कुल देखो सी रहा है ए नहीं बेटा पायल जी ए कहां से है बेटा इसकी ट्रिक लिख लेना ढंग से पर एक्यूट का होता है एंथ्रेक्स एक्यूट का होता है एच सब एक्यूट क्यू और प्रोडक्टी टीबी और मैं पहले कह चुका हूँ मैंने आज तक जो पढ़ाया है भले 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 पूरे में हो, हो, आपको तारीख से सोलवा दिन है सोलवा लेक्चर है मेरा है ना सोलह दिन संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं ली कभी क्लास बंद नहीं करी सोलह दिन तक जो पढ़ाया सब आपके राजस्थान बोर्ड एग्रीकल्चर की किताब पढ़े फुल ऑथेंटिक है रिट लग सकती है कोई गलत नहीं कर सकता है इसलिए ध्यान रखना सोलह दिन और कल भी क्लास लूंगा सत्रह दिन का जो मैंने महासंग्राम रचा है उसको प्लीज ढंग से करें तो आप काफी फायदे में होंगे लिख लेना आप टाइम नहीं आके चलते हैं वीर तेजा पशु जब कभी भी तेजा और गोगा आता है गोगा तेजा श्रवण भादवा गोगा तेजा श्रवण भादवा गोगा तेजा श्रावण भादवासा डेट भी बता दो ये लो गो गो गोल गोल लाडू गोल गोल चांद पूनम का श्रावण की पूर्णिमा से भाद्र की पूर्णिमा तक जब कभी भी आता है गोगो जी गोगो जी गोगो जी तेजो जी सांप कब आता है बरसात में गोगा तेजा श्रवण भादवा गोगा तेजा गो गो गोल गोल पूनम का चांद पूनम से पूनम और तेजा जी कब आते हैं पूनम से अमावसे कौन से पशु मेले एक ही डेट से चालू होता है घोगा तेजा श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा गोल गोल और तक है तेजा है बताओ मजा आया कि नहीं आया फिला फटाफट चैत्र में चैत्र में नहीं चैत्र में कौन सा है ये तो है बलदेव पशु मेला चैत्र में कौन से है बलदेव चैत्र में बम फोड़ते हैं चैत्र में बम फोड़ते हैं बलदेव इसको याद करना नवाज जाना हीरा इसका आंसर है माँ में माँ को मनाने कौन गए रामदेव जी गए मानासर में माँ को मनाने मानासर में जिस किस को भी पशु मिलने में रत्ती भर भी दिक्कत हो एक परसेंट भी हो वो मेरा सेकेंड या थर्ड वीडियो देख लेना उसमें सब ट्रिके हैं और भयंकर वीडियो है आनंदित है उसका तो व्यूज भी जोरदार है आप लोगों ने अच्छा व्यूज दिया तीस के आसपास उसमें बच्चे जुड़े हैं है ना इसलिए बिल्कुल और एक बात ये और बता देता हूँ सुनना आप में से एक लाइन आई मोटिवेशन की तो बिल्कुल समय आ चुका है थोड़ा सा खुद को बुस्टअप करने का आपको देने का। मैं इन पशु में की तिथि को ढंग से सुनना इन पशु में लो की तिथि को आज से चार महीने पहले सिर्फ चार महीने पहले ही मैं इसमें से तिथि को देख बताता था एकदम दिल से बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ क्योंकि देखो तिथियां गड़बड़ होती थी हाँ, सावन की भाद्रपद से मैं बोलता रहा बच्चे लिखते रहते थे गलत भी क्या है फिर मैं बच्चों कहता तो बेटा याद करना पड़ेगा लेकिन एक दिन दिमाग में यह आया प्रश्न कि यार मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ तो बच्चा कैसे याद करेगा और जिस दिन आगे बेचारा बच्चा कैसे करेगा उस दिन एक ही दिमाग डाल दिया कि इनको याद करेंगे और बच्चों को याद कराएंगे क्योंकि मैंने दुख देखा मेरे बच्चे दुख नहीं देखे मेरे स्टेंट दुख नहीं देखे इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा और वो काम डिलीवर्ड करना पड़ेगा आप में से कमेंट करके बताना क्या उस वीडियो मैंने सावण भादवा गोगा एक एक की ट्रिक बनाई कि नहीं बनाई और ट्रिक बनाने के बाद आपको याद कराएगी नहीं कराए यदि याद कराई है तो बिल्कुल हर चीज याद हो सकती है बस याद करने वाला चाहिए और मैंने तो उस दिन से ठान लिया है हर चीज को याद कराऊंगा समय लगेगा लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा सेटिस्फेक्शन आएगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि नौकरी के लिए सौ परसेंट यारी जरूरी है दस परसेंट बीस परसेंट वालों सीमा थोड़ी गड़बड़ होती है क्योंकि देखो नौ बजे मेरा ड्यूटी टाइम होता है इसलिए नौ बजे के बाद ले नहीं पाता हूं एक दिन दस घंटे ढूंढ जाओ ना भाई साहब पूरे पशुपालन को उधेड़ सकता हूं लेकिन समय नहीं है ना चलो आ जाओ फटाफट थैंक यू बेटा थैंक यू हाँ। राजस्थान में सर्वप्रथम पहली पशुगणना कब हुई थी 1919 19, 1920 में सुने अभी कौन सी है वर्तमान बीसवीं सुनना अभी कौन सी हो रही है बीसवीं पशुगणना उससे पहले कौन सी हुई थी पशु पशुगणना यही बात है अभी देखना मजा आएगा अरे अभी करंट में कौन सी हुई है बीसवीं उससे पहले कौन सी उन्नीस दोनों के आगे उन्नीस लगा दो उन्नीस ये देखो उन्नीस से उन्नीस उन्नीस सौ से बीस अरे अभी जो वर्तमान में चल रही है उसके पहले की हागे उन्नीस लगा था ना उन्नीस बीस उन्नीस बीस खत्म पहली कब स्टार्ट हुई थी जो अभी चल रही है वही सौ साल पहले पहली थी उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ बीस वाली है ये है स्वतंत्र भारत की कौन सी थी स्वतंत्र भारत की कौन सी थी बोलो फटाफट हाँ स्वतंत्र भारत की थी कौन सी अपने सात पशुगणना पशु गणना इक्यावन में हुई थी उन्नीस में हुई थी इसका भी शानदार वीडियो है इसमें भी गाय बैसे घोड़े बकरी सारे के सारे आपको करा रखे हैं देख लेना ठीक है ना बेटा हाँ बीसवी पशु गणना राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या ब बकरी बीस पॉइंट चार ब से बकरी बा से बीस पॉइंट चौरासी ले जा तेरे को नो गाय सब ट्रिके बताइए घर का बंटवारा हो सकता था बोला तेरे साथ भैंसे ले जा तेरे साथ भैंसे ले जा तेरे को नो गाय हाँ बिल्कुल आएंगे बेटा बीस पॉइंट चौरासी बकरी पंद्रह नौ होता ही नहीं है तो आंसर कौन सा है बकरी बीस पॉइंट चौरासी मिलाओ देखे इसको चार बार देखा ना याद हुआ ना बिल्कुल बेटा हाँ बिल्कुल नेहा जी याद कर है हाँ किरण जी नहीं टाइम पास कहाँ टाइम ही नहीं है टाइम पास कहाँ से करें बेटा है हाँ ना ऐप पर लाइव आओ आज आज नहीं कल आ जाऊंगा कल आता हूँ लाइव ऐप पर ऐप आ लो निश्चित रहो आपको बेस्ट ऑफ लक कहने एक बार जरूर आऊँगा मैं भी आऊँगा ग्यारह सर भी आएंगे और साथ ही आए तो बेटर है तो कोशिश करते हैं नहीं तो मैं तो आता ही हूं अंकल है ना चलो करो इसको फटाफट मिलाओ मिला देगा भाई कार्तिक पशु मेला कार्तिक पशु मेला है पुष्कर में कार्तिक में है कार्तिक लोग पुष्कर नाने जाते हैं चंद्र भगा झला करके शिवरात्रि शिवजी काले इसलिए करोली बैठे हैं और गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में है ये भी सब वीडियो में देख लेना ए ए ए का चौथा एक का चौथा एक ही है सब बराबर है भाई हाँ पूरे के पूरे दस पशु मेले हैं जिसमें से चार आपके सामने हैं बाकी आपको याद कराए है, है ना भाई हाँ चलो नेक्स्ट बीसी पशुकरण देश में कुल पशु समुदाय अब तक छपा अच्छा देश 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 ध्यान रखना देश के अंदर आपको है देश पूछा ध्यान रखना देश में तो राजस्थान में कितनी है भाई देश के अलग नहीं पूछे लेकिन दे दिया क्वेश्चन बताओ राजस्थान में कितनी है छप्पन पॉइंट आठ मिलियन है है ना तो देश यानी कि इंडिया भारत में थोड़ी तो ज्यादा होगी ना थोड़ी ज्यादा क्या होगी सीधा मामला पड़ेगा 535.78 मिलियन है याद है बेटा हाँ पाँच ये है ये है ये है ना बी आंसर बिल्कुल 45 का बी है बिल्कुल राइट आंसर है 45 का बी 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 है हाँ बिल्कुल राइट आंसर है राठी गाय का प्रजनन कहने का राठी जो है राठी कहाँ की है इधर नोहर हनुमान सूरतगढ़ में क्या है सूरत है थार पार करके लिए थारी सूरत बड़ी प्यारी है ऐसे बोलते ना थारी, सूरत बड़ी प्यारी है बस्सी में फ्रोजन सीमन है बस्सी में क्या है सेंटर सेंटर है सीमन का सेंटर है का बस्सी जयपुर के अंदर यह भी बहुत पूछा है और रामसर कहाँ है अजमेर में है उसमें क्या है बकरी का चारा और विकास कार्यक्रम बकरी का चारा और विकास कार्यक्रम है चारा और विकास कार्यक्रम है बकरी का चारा विकास कार्यक्रम है ठीक है ना हा गुड नेक्स्ट सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी अरे अब तो आ जाओ हमारे पास में काजरी ये रहा काजरी काजरी और आफरी काजरी और आफरी यहाँ पर है उत्कर्ष के पास में ही है जहां से पढ़ा रहा हूँ वहां से थोड़ी दूर पर काजरी है है ना जहाँ से अभी क्लासेस हो रही है जहां से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन हो रहे है. वहां से थोड़ी दूर पर है काजरी सामने है आफरी जोधपुर में दो ही है काजरी और आफरी काजरी और आफरी काजरी और आफरी बिल्कुल राइट आंसर है बी 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 चलो भाई बताओ दंत सूत्र किसका ये हाँ ये दंत सूत्र भाई साहब बता दे मजा है सर हमारे समय में थे था कि सौगन वो क्या राज चौधरी क्या कह रहा है हाँ बताओ देखे भाई राज चौधरी कौन है भाई इसको देखो ये हटाओ क्या मारे समय ऐसे क्या एकदम है ना मारे कुछ भी बेहुदा नहीं लिखेंगे आप लोग ये क्लास है कोई ऐसे आपका पब्लिक मंच नहीं है कुछ भी नहीं लिखेंगे आप अच्छे से स्पष्ट क्वेश्चन पूछे ऐसे नहीं डालोगे ठीक <laughs> है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो आओ देखें ये क्या है भाई ये है कुत्ते का दल सूत्र ये किसका है कुत्ते का सुनो जब कभी भी आपको ऐसे मिले ना तीन एक चार तीन है ना तो ये तीन वाला ये तो है सुअर का किसका है ये मैंने कल बताया था आपको और यहां पर ये दो मिल जाए ध्यान रखना ये देखो तीन की जगह ये दो मिल गया ना तो दो मिल गया तो कूता कुत्ता में दो है ना देखो दो है तो दो में दो है सुअर तीन है तो तीन में तीन है ये कुत्ते का है गाय का क्या था गाय का था जीरो चार जीरो जीरो तीन तीन है ना सुअर का क्या है ये पड़ा सुअर का और भैंस का भी ये है गाय भैंस भेड़ बकरी क्वेश्चन आया हुआ है गाय भैंस भेड़ बकरी ज्यादा आएगा कुत्ता सुअर घोड़ा घोड़ी कम पूछते हैं एग्रीकल्चर में एक्चुअल इसको पूछते हैं भाई एग्रीकल्चर इसको पूछते हैं जीरो चार जीरो जीरो तीन तीन तो ध्यान कर लेना तैती चालीस तैती ऊपर तैती है नीचे कुत्ता सही है चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से जो चीरा मस हम विकसित होते हैं कुतरने वाले दांत अलग होते हैं चीरने फाड़ने वाले अलग होते हैं कौन से दांत है जो चीरने फाड़ने वाले हैं बताओ देखे चीरने फाड़ने वाले कौन है जिससे सिर चीरता है कुत्ता चीरता है ये वाला होता है आर का पेपर कब हो गया बेटा आरपीटी अब क्या आरपीटी है हाँ कृष्ण लाल जी आरपीटी के लिए फॉर्म भर गए हैं और पेपर आई थिंक मेडिकल का हो गया ना आरपीटी हो गया होगा 49 का बी, बी 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 49 का बी के है इंसीजर कौन से हैं? दांत है ना जिसको आपके वेटनर इस लिखती है, ये है कुतरने के काम आते हैं ये कुतरने के canine होते हैं रदनक और रदनक जो है वो किसके काम आते हैं चीरने और फाड़ने काम आते हैं प्री मोलर और मोलर ये है चबाने के वाले दांत। ये किस में काम आते हैं चबाने में काम आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें ये भी खतरनाक क्वेश्चन है यार इसका देखते हैं कौन कौन आंसर राइट right देता है भाई पचास सौ आ जाए ना मजा आ जाएगा पचास सौ आता है पशुओं की उम्र ज्ञात करना जो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा गया है है ना ये एलएसए में भी है और इसमें भी है एग्रीकल्चर में भी और टेबल दीवी टेबल कईयों को याद नहीं है हाँ मैराथन ही है ना बेटा ले ले क्या चलो लेंगे 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 है ना हाँ 45 का देखें कौन-कौन राइट करता है एम के प्रवीण डी किसका है बेटा ऐसे लिखा करो ना डी क्या डी 45 से ऐसे लिखो आगे हां आगे लिखा करो कैसा भी ये क्या 45 से हमारे सब का बतो. 50 से का बताओ 50 में ए भी आ गया डी भी आ गया सी भी आ गया 6 मंथ भी आ गया ठीक है डी 6 महीने बिल्कुल राइट आंसर है इसमें क्या होता सुनो है ना ये अह जीरो से एक महीने में सभी अस्थाई आ जाते हैं सभी अस्थाई आते हैं फिर छ महीने का होता है तो वहां पर मोलर वन आता है इन नहीं आता है इन कहां से आ जाएगा छह महीने में हाँ इन सीजन आता है फिर उसके बाद में छह के बाद अठारह महीने के अंदर आता है मोलर टू लिख लेना ये सब फिर दो साल अठारह के बाद चौबीस महीने यानी कि दो साल दो साल की उम्र में आता है यहाँ पर कौन सा वाला है ना इसमें आता है I1 I2 आई टू पूछा है हाँ द्वितीय फिर दो साल से ये ढाई साल होता है ना ढाई साल दो से ढाई साल में आता है M3 और इसके बीच में आता है कौन I2 तो चौबीस महीने से भी थोड़ा ऊपर होता तब आता है चौबीस में थोड़ा ऊपर होता है तो इसका आंसर होगा चौबीस महीने है ना ढाई साल छठे महीने में तो मूल सुनना पहले सभी ही आते हैं सुनना ढंग से जिसको नहीं आ रहा है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास पहले सभी ही दाद आते हैं छठे महीने में मोलर वन आता है अट्ठारह महीने में यानी आधा साल डेढ़ साल ढाई साल छह महीने अठारह और तीस आधा साल ढाई साल और आधा साल डेढ़ साल ढाई साल मोलर वन मोलर टू मोलर जो ढाई और डेड के बीच का समय दो साल में आता है आपके आई वन और दो से ढाई के बीच आई टू पी वन पी टू और ढाई से तीन के बीच आता है कौन सा आई टू फिर तीसरे में आई थ्री चौथे में आई फोर हाँ मॉडल पेपर कहां से ले दिव्या जी कह रहे हैं मॉडल नहीं बेटा दिव्या जी एल एस ए की तैयारी करो ऐसे शॉर्टकट मत अपना जो भी है हाँ एल एस ए जो भी है सुन ले मेरी बात शॉर्टकट में मत पढ़ो एल एस में टाइम मिल रहा है अच्छा खासा अट्ठारह तारीख के बाद मैं पूरा का पूरा एल एस ए पशुधन साहेक पे जोड़ दूंगा उसका पूरा कोर्स रिफ्रेश कर रहा हूँ उस पूरे कोर्स के अंदर मस्त तरीके से क्वेश्चन डाल रहा हूँ इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोताही मत बरतो पाँच छह महीने मिलने वाले हैं क्रैक करना है तो कोशिश करना ऑफलाइन ज्वाइन करें जोधपुर जयपुर दोनों जगह कक्षाएं हैं है। और यदि कोशिश करें ऑफलाइन नहीं हो तो फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसा क्रैश कोर्स टाइप लॉन्च करता हूँ उसमें ठीक है ना हाँ इसलिए में में बच्चों की तो तीस हजार मेहनत करनी पड़ेगी हल्की फुल्की मेहनत से कुछ नहीं होना है चलो ये इसलिए है कि कई एल एस जुड़े हुए हैं और वो मेरे से संपर्क में रहे है ना ताकि उनको सही दिशा गाइडेंस दी जाए बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है गाइडेंस अच्छी मिलेगी सेलेक्ट हो जाओगे वो लो बताओ देखे अंतरिक्ष में गया अंतरिक्ष में गया और क्या जलाई तिल्ली जलाई और तिल्ली जलाई तो उसका पूरा का पूरा ऊन जल गया ऊन जल गया है ना हाँ श्री राम जी यादव जी एल एस से होना तो मुझे वीडियो खत्म करने के बाद आप क्या करना वो डालना कमेंट ठीक है उसमें मैं आपको गाइड करूंगा जो भी एल एस है ना पोस्ट वीडियो कमेंट डाले ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा मेरे पास समय नहीं होता है ना पोस्ट वीडियो कमेंट में आपको सारा मैं आंसर दूंगा हाँ कौन में गया तिल्ली जलाई और ऊन जल ऊन छोटी हो गई जहर फैल गया जहरी बुखार गिल्टी बुखार मिट्टी जनित बुखार बीजा जनित बुखार फिफ्टी हाँ। 52 मिलाओ देखें ये भी क्या है इसकी ट्रिक भी बताई है मामा चोर जैसा मामा चोर जैसा काले वस्त्र करता काले वस्त्र करता मेरी तो नो है मेरी तो नो है है ना इसमें क्या है सबसे पहले माल पूरा खाती है माल पूरा खाती है लेकिन ऊन कम देती है एक पॉइंट एक से एक पॉइंट छः है ना मारवाड़ी जो है मारवाड़ी जो है डेढ़ से ढाई है डेढ़ से दो पॉइंट तीन है चौकला जो है चौकी है चौकला जो है डेढ़ से ढाई रहती है ये सर क्या है ये बेटा किलोग्राम पर ईयर ऊन की मात्रा है एक साल में इतना ऊन देती है ये सारी सारी है जैसा में जैसलमेरी है जैसा में जैसलमेरी जैसलमेरी अठारह का पहाड़ा बहुत बोलते हैं अठारह छत्तीस छत्तीस का बत्तीस है ना काले वस्त्र में कराकुल है काले वस्त्र करता नहीं अभी काली है सॉरी इसमें है अभी कालीन इसमें कौन है अभी कालीन, अभी कालीन। और पीछे कौन है अभी वस्त्र दोनों के दोनों बार की नस्ल अविकालीन है 2.25 से 2.5 तक ये लिख लेना सारे ढंग से और ये कितना है दो से चार है कर से है क्या कराकुल है कराकुल में कितना है तीन से पांच है और सबसे ज्यादा किसमें है मेरिनो में है मेरिनो में कितना है पांच से नौ तक है सर्वाधिक मेरिनो में है इस तरह से ये डेठा अच्छे से बहुत कम जगह लिखा हुआ है लेकिन ऐप में है और यहाँ पे है फटाफट पत लिख दो बेटा मनीष जी देता हूँ टाइम नहीं देखा होगा बेटा नहीं देखा होगा इसलिए अब भी देखूंगा आज देखूंगा आपका है ना मनीष जी साकला जी कह रहे हैं वीडियो का शराब टाइम नहीं मिलता है बेटा लेकिन दूंगा जो देखा तो दूंगा ठीक है और मेरे उसमें नंबर भी रहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि नहीं देखें ना नंबर लेके उस पर कॉन्टेक्ट करें लेकिन यही है बढ़िया करेंगे अच्छा करेंगे डिज में डोज रेट करना नहीं 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 एक बैर पूछा था और कुछ नहीं पूछा था ठीक है <coughs> मिलाओ देख चौकला कहां पड़ा वो रहा चौकला डेढ़ से ढाई 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 हेरा भाई मारवाड़ी मारवाड़ी डेढ़ से दो तीन दो तीन डेढ़ से दो तीन हेरा मालपुरा 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 डेढ़ से एक पॉइंट छ मालपुरा डेढ़ से एक पॉइंट छ बिल्कुल अट्ठारह का पहाड़ अठारह से छत्तीस आ गया गाड़ी ए ए ए का दूसरा बी 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 का चौथा राइट आंसर इसका सी है बताओ सी आ रहा है क्या स्क्रीनशॉट ले लो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो hmm. हिंदी की क्लास यूट्यूब पे चलू होगी ना बेटा आपके हिंदी की क्लास चल होगी विश्वास रखो उत्कर्ष सब करता है लेकिन समय भी होना चाहिए ना टीचर के पास समय होना चाहिए उसके फिर अलग अलग सिस्टम होते हैं क्लास सबकी लगेगी ये जो कुछ लोग होते हैं शॉर्ट कमेंट है ना कर कर करा के अपने आप को कहीं ना कहीं ख़राब कर देते हैं बाकी उत्कर्ष आपके बारे में सोचता है इसीलिए आज सोलवार लाइव कर रहा हूँ मैं कंटिन्यूस वो भी यूट्यूब पे बिना किसी कॉस्ट के और पूरी एनर्जी के साथ पूरी ट्रिक्स और टेक्निक के साथ है ना तो जब हम इतना मैटर दे रहे हैं तो हमारे कुछ अच्छा करने का मन में होगा ना यार बिल्कुल उत्कर्ष पूरी तरह से उत्कृष्ट कार्य करना चाहता है और चाहता है विद्यार्थी का भला हो विद्यार्थी कुछ खास करे सही एजुकेशन हो सही कॉम्पिटिशन हो ठीक है ना हाँ तो आज सोलवा है सोलवा नौ बजे तक बेटा नौ बजे के बाद लाइव में नहीं आ सकता नौ से चार में लाइव नहीं आता हूं है ना नौ बजे तक रहेगी ये चलो किस जगह जीवाणु जनित रोग है फटाफट बताओ जीवाणु जनित जब भी आता है सीधा कर देना रोज फास्ट आता है भाई मेरा इंग्लैंड से रोज फास्ट आता है भाई मेरा इंग्लैंड से किसके पास मम्मी पापा काका के पास और पूरा और करना है तो रानी को चेचक ये लो जो बोर्ड पे लिखा है ना इससे बार क्वेश्चन नहीं पड़ेगा यदि जीवाणु जनित विषाणु जनित क्वेश्चन आया मैं गारंटी ले रहा हूँ इससे बार नहीं आएगा ढंग से देख लेना फटाफट इसमें से रफ वायरस है रिंडर पेस्ट एफ एम डी रफ वायरस है रिंडर पेस्ट एफ एम डी आता है भाई मेरा इंग्लैंड आता है भाई मेरा इंग्लैंड ये कौन सा है जीवाणु जनित है ये कौन सा जीवाणु जनित है सर्रा एस पी एस पी कौन सा है प्रोटो जो जनित है एस पी कौन सा है प्रोटो और मम्मी पापा काका है मीठे बोलते हैं मेटाबॉलिक है जिसका दूसरा नाम चलता उपापचय मेटाबॉलिक है उपापचय लिख लेना भाई इससे बार सवाल नहीं है रानी को चेचक हो गया रानी को चेचक हो गया तो रानी कोप भवन में चली गई रानी को चेचक हो गया है ये भी वायरस वाला पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है रानी को चेचक कोप कोप भवन में चली गई है कोप ये क्या है सर प से प्रोटोजोआ है नहीं लिख सकता है ना पूरा नाम इसलिए सुन लेना टाइम कम है एक बार फटाफट सारे बोलता हूँ रिंडर पेस्ट एफ एम डी वायरस जनित है एंथ्रेक्स एच एस बी क्यू मेस्टाइटिस और ई टी जो है जीवाणु जनित है सर्रा एस पी प्रोटो जो है मेल्क फीवर पी पी एच कीटोसिस मेटाबोलिक है रानी को चेचक में रानी खेत और चेचक वायरस जनित है और कोपन चलेगी कोरोना <laughs> है, है, है वो है। एक एक का नाम बता था ढंग से सुनना। रिंडर पेस्ट है रुद्रप्रता से मिक्स हो गया एफ जो है पिक्चर कोरोना वायरस है एंथ्रेक्स एंथ्रेसिस है एच है पाशा बविस है है ना बी जो है क्लोस्टिडियम सॉक्स से पीता है थन में स्टेट घुसता है स्ट्रेप्टोकोकस ईटी एंटेरोटॉक्सिमिया क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंस खतरनाक परफॉर्मेंस है एसपी सर सर चलता है ट्रिपल की स्पीड से मेटाबॉलिक आ, मिल्क फीवर कैल्शियम कमी है पीपीएच फास्फोरस कमी है और कीटोसिस ग्लूकोज कमी है रानी को पराय से मिक्स हो गई मनमोदी ने सोटा मारा है कॉक्सीडियस खूनी दस्त है खूनी दस्त आया और मारिया आंटी वाला आ, वाला है और चेचक है बोरी में लेके ओटे ओटे आए बोल पूरे बारह को बोल दिया है धीरे धीरे चीन चार बार देख लेना सारे बैक्टीरिया वायरस याद है और इससे बाहर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जीवाणु जनित विषाणु जनित क्वेश्चन नहीं पड़ेगा क्योंकि बारह से तेरह बीमार है फटाफट बता दो कैसी लगी ट्रिक और कैसा लगा इसके अंदर याद करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल याद हुआ हाँ गुड 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 चलो कौन सा फिर बताओ देखें कीटोसिस मम्मी पापा काका मीठे बोलिक हीरा मेटाबॉलिक ये तो कौन सा है मेटाबॉलिक अरे अब तो एक एक का पोस्टमार्टम कर सकते हो ना करो फिर मेरे साथ हाँ फिर है मिल्क फीवर ये भी मेटाबॉलिक है फिर रिंडर पेस्ट ये कौन सा है वायरस है रफ वायरस है तो आंसर कौन सा हो गया डी 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 आंसर है भाई हाँ मस्त है ट्रिक अरे दिव्यांशु जी इसके लिए छह महीने काम किया जब जाके ये बनी ये हमारे वो कहते ना खून पसीने की कमाई है जिसपे हमने आ, लाइव किए हैं 77 सेवन से 78 एट लाइव किए हैं और ऑफलाइन में इतना ज्यादा दुख देखा बच्चों के साथ उन सब जो काम किए ना छह सात महीने से उसका निचोड़ जो अमृत होता है ना कहते कत्ते जहर है कत्ते अमृत है वो अमृत है ये है ना बिल्कुल एल ए शर्मा जी आप इतना लंबा छोटा कमेंट करेंगे बेटा नहीं पढ़ पाऊंगा आप मुझे क्या करना वीडियो के बाद डाल देना मैं उसमें कमेंट देख के जवाब दे दूंगा ठीक है बेटा अभी मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक है हाँ अभी टाइम ही नहीं होता है देखो तिरपन पांच अभी तो क्वेश्चन बहुत पड़े सौ क्वेश्चन है किस रोग में पशु की गर्दन कंधा व पिछले पुट्ठों में सूजन आ जाए जब कभी पुट्ठा पूछे सीधा कर देना ब्लैक क्वार्टर ब्लैक क्वार्टर पिया किसने कालिए ने ब्लैक क्वार्टर पिया कालिए ने शौक से ब्लैक क्वार्टर किसने पिया कालिए से कालिए ने ब्लैक क्वार्टर के साथ क्या खाया चुरचुरिया फिर लोगों ने उसकी फड़ सुझी फड़ में इसके क्या मसल सरती है चीरा लगाते हैं तो वहां से काला बदबूदार खून आता है ना भाई हाँ चलो फिर बताओ देखे कौन सा है ब्लैक वाटर ये पड़ा ठीक है ब्लैक एंथ्रेक्स में क्या था नाक आंख से खून आता है कोई भी आपने पर हर से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आठ दस बार बताए तभी तो याद हुआ ना बेटा तभी तो याद हुआ ना आज उसी की बदौलत याद होता बाकी याद नहीं होता है है ना बिल्कुल मिलाओ देखें ये घोड़ा है घोड़ा है घोड़े के जब जेल लगाई तो उसे कोल्ड फील हुआ घोड़े के जब जेल लगाई तो उसको कोल्ड फील हुआ है ना फिर बताओ बकरी 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 गॉट होती है बकरी को लिंग बोलते हैं बकरी क्या बोलते हैं लिंग बोलते हैं तो बकरी जो है वो क्या है गॉटलिंग गाय का काफ होता है और सुअर जो होता है सुअर का समूह ड्रू ड्रू करता है ये है शौक से पीता खाली दर बिल्कुल सही आंसर है घोड़े ए का चौथा कौन दे रहा है ए का चौथा दो जन दे रहा है बी -बी 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 राइट आंसर है सी बताओ देखे सी किस किस का है बिल्कुल कत्ते जहर है आज तो भाई साहब हकीकत बताओ पूरे पशुपालन के एक एक क्वेश्चन को ला रहा हूँ आज तो कहते ना पूरा पशुपालन आ रहा है लाइन टू लाइन हर क्वेश्चन आ रहा है चलो नेक्स्ट लगा मार्किंग है एच डायरेक्ट याद करो एस से क्या कर दो एस से हुफ कर दो और एस से ही हॉर्स कर दो जब कभी आपको बोला ना हुफ में मार्किंग किसके करनी है घोड़े के ये भी पहचान के तरीके होते हैं घोड़ा इसका आंसर है नेक्स्ट अभी बताई थी बताओ फटाफट है ना अभी बताई थी फटाफट लिख दो वो कौन सा मामा चोर जैसा काले वस्त्र करता मेरी तो नो है। माल पूरा कराकुल देखो कराकुल है वो कराकुल में कितने चार है ना चार देखो इधर कराकुल में कितने हैं चार चार से इधर जाओ तीन इधर जाओ पांच तीन से पांच है कराकुल तीन से पांच है तीन से चार ये पड़ी काकू है ना तीन से चार है तीन से है मेरिनो जो है मेरिनो में क्या है मेरिनो में भयंकर है भाई मेरिनो में भयंकर वाली मेरिनो है हाँ, पांच से नौ कराकुल है तीन से चार अभी वस्त्र अभी कालीन ये दो से चार होती है जसल मेरे अट्ठारह का पाड़ा बोलता है अठारह से छत्तीस अठारह से बत्तीस है ठीक है ना मिला लो फटाफट तो ए का दूसरा ए का दूसरा एक बी 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 का पहला सी 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 का चौथा और डी का थर्ड बिल्कुल आज तक इस तरह से ऊन की मात्रा क्यों ने याद नहीं, नहीं की लेकिन अब होगा आगाज अब होगा खतरनाक वाला आगाज ये हो चुका है वर्तमान में पशु बीक्यू टी के साथ किसके साथ सीधा ध्यान एच एस के साथ एच एस बी क्यू है साथ, साथ लगता है क्योंकि दोनों के अंदर सूजन होती है एच एस बी क्यू सात साल लगते हैं एच एस में गले में सूजन है और बीक्यू में कंधे में और पुट्ठो में सूजन है एच एस में बुखार है गले इसमें भी बुखार है तो एच एस बी क्यू भाई भाई है आज से ध्यान रखना एच एस इलाज भी देखो प्रेस डेनी प्रेमडनी सेम है ध्यान रखना तो एच एस बी क्यू को सात साल एफ एम डी का कौन सा लगता है रक्सा टीका लगता है कौन सा लगता है रक्सा टीका लगता है ला सोटा मुक्ति देनी है किसका लगता है राणी को खेत में मुक्का मारना है सोटा मारना है सॉरी नेक्स्ट मिलाओ भाई हाँ ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी है और अभी बता देते हैं भाकरवा मैंने आपको बताया था अभी चंडीगढ़ के गरबा पुराने चंडीगढ़ के चंडीगढ़ के गरबा पुराने यानी कौन सी है नॉर्थ की है कौन सी है नॉर्थ की मिलाओ देखें कहीं नॉर्थ पड़ा है क्या बाकरवा उत्तरी एक का तीसरा दे रहा है क्या दो जने दे रहे यार मराएगा बी का चौथा सीम पता चला हसन कहाँ की है दक्षिण की है सी 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 का दूसरा ये रहा राइट आंसर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है पूरे भारत की बताऊं इसलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे हाँ बिल्कुल हर प्रश्न में ट्रिक है और क्या तो मनमोहन और मोदी वाह 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 जी एस जागे फोटो लगा दिए बढ़िया बढ़िया भाई ठीक है इधर किस बीमारी पशु सीधा बैठ जाता है गर्दन को पीछे भाई बहुत ही शानदार मजा आ जाता क्या होता है पशु जब ब्याता है प्रसव होता है तो उसमें दूध निकलता है पहला दूध कोलेस्ट्रम खीस बोलते हैं उस दूध में से सारा का सारा कैल्शियम निकल जाता है तो पशु में कमजोरी आ जाती है और पशु सीधा नीचे बैठता है नीचे बैठता गर्दन अकड़ जाती है आप फोटो देखना मजा आ जाएगा पशु नीचे बैठ के गर्दन अखड़ती है मिल्क फीवर क्या बोलते हैं मिल्क फीवर क्या बोलते हैं मिल्क फीवर इसमें क्या होती है कैल्शियम की कमी होती है इसमें क्या होती है कैल्शियम और इसमें ध्यान रखना शरीर ठंडा पड़ जाता है एक ऐसा फीवर क्या नाम है फीवर एक ऐसा फीवर जिसमें बुखार नहीं आता है शरीर ठंडा पता नहीं क्यों इसका नाम मिल्क फीवर लगाते हैं एक ऐसा फीवर देखो मिल्क फीवर फीवर का बुखार बुखार में तो तेज तपना चाहिए नहीं एक अकेला ऐसा फीवर है जिसमें शरीर ठंडा पड़ता है पशु का है ना उसके बाद एंथ्रेक्स में तो क्या आता है एंथ्रेक्स में तो क्या आता है है ना प्राकृतिक छिद्रों से खून आता।, आता है नाक आक कान प्राकृतिक छिद्रों से खून आता है प्राकृतिक छिद्रों से खून आता है एफ में क्या होता है एफ में खुर पर छाले खुर पर छाले और मुंह में घाव मुंह में घाव मुंह में घाव मुंह पर भी घाव होते हैं और रुद्रा की आंखें लाल हैं रुद्रा की आंखें लाल है रुद्रा की आंखें लाल, लाल है तेज बुखार है और क्या करता है शूटिंग करता है पूरी की पूरी बीमारियों को भाई साब इस तरह से स्टोरिया बनी है कि बच्चों को अब तक तो याद हो गया है, हुआ ही नहीं पता बता देखे टाइम हो गया जो की ने टाइम टाइम हो गया क्या अरे यार हाँ यार नौ गया यार चलो कोई नहीं टाइम हो गया तो कितने हो गए साठ हो गए ना चालीस क्वेश्चन फिर भी रह गए अब देखो यार कोशिश तो <laughs> की है लेकिन क्या करें कोई नहीं कल चालीस क्वेश्चन और कल कराएंगे दो पेपर पुराने कौन कौन से क्वेश्चन हुए अपने पेपर कौन से हुए थे बारह और चौदह के हुए ना बिल्कुल पंद्रह सोलह सत्रह जितने क्वेश्चन है सारे कल करा दूंगा कल की क्लास बेहतरीन क्लास है लास्ट क्लास परसों तो एग्जाम ही है कल की क्लास में पेपर करेंगे बच्चे में क्वेश्चन करेंगे और तांडव करेंगे और आपके लिए भगवान भोलेनाथ से विश करेंगे कि को मेरे बच्चों का बीस में से बीस सही करा दो और बढ़िया आपको गाना सुनाएंगे डायलॉगबाजी करेंगे और आपको शानदार तरीके से ट्रिके बताएंगे क्या बताएंगे रुद्रा की आंखें लाल है रुद्रा पराय से मिक्स होकर लोगों पर गोलियां चलाते हैं तालिबानी की तरह और शूटिंग करता है वहां पे शूटिंग करने के साथ ही पशु माता में नहीं बजाता है और खूनी दस के साथ मर जाता है यह है रुद्रा है ना भाई बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे और कल ये बचे हुए 40 क्वेश्चन और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बचे हुए पेपर है उस पेपर पे काम करेंगे आपके लिए विशेष करेंगे बिल्कुल सबको आना ही है पौने नौ बजे तो एटलीस्ट आना है क्योंकि 10-15 मिनट आपसे बात करेंगे और ऐप में मैं आजकल मैं आता हूं और आपके लिए सबके लिए गुड विशेष है थैंक यू है जो जो एल है वो मुझे पोस्ट वीडियो कमेंट में कॉन्टेक्ट करेगा उसका बीस तारीख से भयंकर काम होगा अगले पांच छह महीने एल के लिए बिल्कुल इससे भी खतरनाक ऐसी कुछ सीरीज लानी है ऐसा ही धूम मचाना धुआं धुआं कर देना है लेकिन एलएसए में भी छोड़ना नहीं है क्योंकि अब की बार एल और एस दोनों पार करना है ओके थैंक यू बाय